राम राम जी। आज हम एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसके खाने के बाद आप समोसा कचौरी और पकोड़े खाना भूल जाओगे। ये हमने एक कटोरी बची हुई खिचड़ी ली है। खिचड़ी मिक्स दाल और चावल की बनी हुई है। खिचड़ी को ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। अब आधी कटोरी पानी डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये एक हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा जो प्रोटीन से भरपूर है और झटपट बनने वाला है। ये हमने खिचड़ी का बैटर बना लिया है और अब इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच बेसन की डाल देंगे। एक बारीक कटा प्याज और एक बारीक कटा टमाटर, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच भुना जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तेज़ आंच पर तवा गरम कर लेंगे और फिर अब मीडियम कर देंगे और तवे पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब थोड़ा सा बैटर लेके तवे पर फैला देंगे। अब ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखो नीचे से पक गया है। अब थोड़ा सा साइड में घी लगाकर इसको पलट देंगे। ये एकदम आसानी से पलट जाएगा। ये देखो कितना बढ़िया सिखा है, बिल्कुल परफेक्ट। इसे जो भी खाएगा बार बार यही बनवाएगा। अब ये नीचे से भी सीख गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम सारे बना लेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है इसमें। इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट बन के तैयार हो जाता है और सभी खुश होकर खाते हैं। ये देखो फटाफट बन के तैयार होते हैं और सीख भी अच्छे जाते हैं। ये हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। इसे छोटे बड़े कोई भी खा सकते हैं और न ज़्यादा इसमें तेल या घी लगा। अब नाश्ते की प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमने नाश्ते को फोल्ड कर दिया है, इसे सीधा भी रख सकते हैं चिल्ले की तरिया। ये एक कटोरी दही है और चटनी है। ये नाश्ता दही के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे चाय या फिर अन्य सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।